बिहार में जातीय सर्वे पर 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े जारी करने पर रोक नहीं लगाई थी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जातीय सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े जारी करने पर रोक नहीं लगाई थी। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से कल जो जाति जनगणना हुई है उसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, और इस सर्वे में यह साफ हो गया है कि किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व जनता में है। और इन सब के बीच जाति सर्वे पर 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने जा रही है, और निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए। निपुण, ये जो 6 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है, और अब आंकड़े तो जारी हो चुके हैं। बिल्कुल, आंकड़े जारी हो चुके हैं, और जो याचिकाकर्ता पक्ष है जिसने पहले पटना हाई कोर्ट में विरोध किया कि ये सर्वे कानूनी रूप से गलत है, असंवैधानिक है, राज्य सरकार को अधिकार, ऐसी तमाम बातें कही थी, ये जो पक्ष है इसने सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की, जब हाई कोर्ट में हार मिली, कि सुप्रीम कोर्ट आंकड़े जारी करने पर रोक लगा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि जब हाई कोर्ट ने विस्तृत आदेश दिया है तो हम भी विस्तार से सुनवाई करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश रोक लगाने का नहीं दिया था, बिहार सरकार ने इस बीच में आंकड़ा जारी कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करेगा वो काफी हद तक एकेडमिक एक्सरसाइज की तरह होगा, क्योंकि एक बार सर्वे के आंकड़े जारी हो चुके हैं, ऐसे में अब उसको वापस तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि 6 तारीख की सुनवाई में क्या होता है। शुक्रिया निपुण आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस बीच बिहार में जाति जनगणना को लेकर आज एक और बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। जातीय जनगणना पर आज अहम बैठक है, नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, पटना में दोपहर 3:30 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है। जातीय जनगणना के आंकड़ों पर चर्चा होगी, इसके साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर भी बात की जा सकती है। तो सर्वदलीय बैठक नीतीश कुमार ने बुला ली है। बिल्कुल, और प्रकाश कुमार इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। प्रकाश, ये सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, क्या कुछ मुख्य बातें रहने वाली है बैठक को लेकर? देखिए, नीतीश कुमार काफी गदगद है, इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से इस पर, चाहे वो कानूनी अड़चन हो या फिर पार्टियों की तरफ से जो सवाल उठाते रहे हैं उसको लेकर के वो बहुत बड़ी लंबी छलांग लेने वाले हैं। जिस तरह से बिहार में जातिगत आधार पर जनगणना कराई गई है, वैसे ही मांग अब पूरे देश में उठने वाली है, तो एक नज़ीर की तरह है नीतीश कुमार के लिए। अब यही एक्सरसाइज जो है वो अब ये बता करके करेंगे कि कैसे सभी पार्टियों, सभी दलों जिनका की प्रतिनिधित्व है बिहार विधानसभा में, उनके लोगों को बुलाया जाएगा, उनके लीडर्स को, और 3:30 बजे बैठक होगी, बाकायदा प्रेजेंटेशन होगा, और उस प्रेजेंटेशन में ये बताया जाएगा कि किस जाति का क्या आधार है और किस आधार पर अब आगे जो आर्थिक सर्वे किया गया है, जो सामाजिक और आर्थिक सर्वे है, उसके क्या नतीजे आए बिल्कुल हैं, और प्रकाश उसके आधार जिस पर तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और जिस तरीके का माहौल सियासी तौर पर बना है, ये भी कोई संभावना या आशंका नहीं है कि कहीं से कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि हर कोई श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि हम भी चाहते थे। बिल्कुल, श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि कल जब ये सर्वे जारी किया जा रहा था तो उस वक्त कोई नेता, कोई लीडर या सरकार का मंत्री कोई नहीं था, बल्कि सरकार के अधिकारी थे, तो अधिकारियों की तरफ से ये सर्वे जारी किया गया, क्योंकि इसमें एक बात सभी साफ थी कि सारे दल उनका समर्थन था और उसी आधार पर समझ गई है। प्रकाश, अब देखने वाली बात है बैठक में क्या होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जातीय सर्वे के आंकड़े आने के बाद अब लगातार देखिए राजनीति गर्म है, सुनिए किस तरह से बयानबाजी इस पूरे मामले पर हो रही है। पार्टियों की सर, सामने सर बुला करके और उनके सामने जितना काम हुआ है उन सब चीज को भी उनके सामने प्रेजेंट करेगा, और जितना सब कुछ ज्ञान मिला है आज तो सबको बता दिया गया, सब लोगों को दिया जाएगा। जातीय जनगणना बिहार की जनता में गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलके राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था, जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जातीय आधारित जनगणना हम लोगों ने कराया है। कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो हैं पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। मैंने तो कहा ही था नीतीश कुमार की सरकार को, बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो,
और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी, लेकिन ये आधा अधूरा है।